सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। दो दिवसीय दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आएंगे। यहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती 50 वर्ष समारोह में सीएम योगी शामिल होंगे। इस खास कार्यक्रम में सीएम के साथ डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी शामिल होंगे। बता दें कि फार्मेसी व नर्सिंग कॉलेज के लिए 100 कमरों के बहुमंजिला डबल सीटेड बॉयज छात्रावास का शिलान्यास भी करेंगे। सीएम योगी दोपहर बाद गोरखपुर के उद्यमियों और व्यापारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर संवाद भी करेंगे। बता दें गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आज रहेंगे, उनके साथ डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी शामिल होंगे। बता दें कि यहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण 50 वर्ष के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। दो दिवसीय दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आ रहे हैं। यहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती 50 वर्ष समारोह में सीएम योगी शामिल होंगे। इस खास कार्यक्रम में सीएम के साथ डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी शामिल होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव हमसे जुड़ेंगे। हिमांशु, दो दिवसीय दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम में शामिल होंगे? स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री खुद यहां पे शामिल होंगे बृजेश पाठक। और ठीक पीछे आप देख सकते हैं स्वर्ण जयंती गेट है, यहाँ पूरी तरह से शासन ने तैयारियां पूरी कर ली है और अंदर फुटबॉल ग्राउंड से जो है सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 200 बेड का जो फार्मेसी का और जो हॉस्टल है उसका जो है ये पूरी तरह से शिलान्यास भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हिमांशु, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कार्यक्रम को लिए, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि पूरी तरफ से पुलिस यहां पे मौजूद है, चार चौक व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था यहां प्रशासन पूरी कर चुका है और इस द्वार को पूरी तरह से सजा दिया गया है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इसका जो लोग, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ इससे शुरू से जुड़े हुए हैं, अपना रजत जयंती समारोह भी वो मना रहे हैं क्योंकि यहाँ से जुड़ाव को 1998 से जब वो सांसद बने थे तब यहाँ पे व्यवस्थाएं बड़ी चरमराई हुई थी, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ अपना भी रजत जयंती समारोह मना रहे हैं इससे जुड़ा हुआ। और आपको बता दें कि इसके साथ ही 1992 बैच के जितने भी छात्र छात्राएं थे, जो डॉक्टर थे, वो यहाँ पे आए हुए हैं, देश जिले से आए हुए हैं, लखनऊ से आए हुए हैं, हर जिले से आए हुए हैं, जो जहाँ भी आपकी प्रैक्टिस कर रहा है या जहाँ भी अस्पताल में है वहाँ से वो छात्र छात्राएं 1992 बैच के आए हुए हैं, वो यहाँ पे अपने हॉस्टलों में जाएंगे, उस हॉस्टल को देखेंगे जहाँ वो रहते थे और जहाँ वो क्लास करते थे, जिस तरीके से वो प्रैक्टिस करते थे उन चीजों को वो देखेंगे और इससे जुड़ाव रहेगा। हिमांशु, जानकारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ दोपहर बाद गोरखपुर के उद्यमियों और व्यापारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ पे व्यापारियों से भी बातचीत करेंगे क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर एकदम तरह से खोल दिया गया है, रेड कार्पेट बिछा दिया गया है, जितने भी व्यापारी हैं उनके लिए, जितने भी इंडस्ट्रियल हैं उनके लिए, गीडा की बात करें तो गीडा में भी कई कंपनियों को बुलाना है, कई इन्वेस्टर्स को बुलाना है, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से जो है इससे लगे हुए हैं कि किस तरह से उनसे मीटिंग करके उनको जो है लाभ दिया जाए, किस तरीके से छूट और किस तरीके से उनको फायदा बताया जाए कि यहाँ पे इस समय समझ लीजिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए जो है रेड कार्पेट बिछा दिया है। धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारियों के लिए। बता दें गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हैं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें उनके साथ डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी शामिल होंगे।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, तो वहीं एनसीआर में भी हवा जहरीली हो गई है। तमाम इलाकों का एयर क्वालिटी लगातार खराब हो रही है, जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। प्रदूषण की मार को देखते हुए दिल्ली और नोएडा में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ ही राजधानी लखनऊ की हवा काफी खराब हो गई है। लालबाग, हजरतगंज समेत अन्य इलाकों में भी एक्वाई लगातार खराब स्तर पर जारी है। बता दें, दिल्ली एनसीआर लखनऊ समेत कई जगह हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली और नोएडा में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रदूषण की मार को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जहरीली हवा से सांस लेना मुश्किल हो गया है। तमाम इलाकों में एयर क्वालिटी लगातार खराब हो रही है। एनसीआर में हवा जहरीली हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, लगातार प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण के खतरे को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जहरीली हवा से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तमाम इलाकों का एयर क्वालिटी लगातार खराब हो रहा है। जहरीली हवा से सांस लेना अब मुश्किल हो गया है। बता दें, प्रदूषण की मार को देखते हुए कई जगह स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ ही राजधानी लखनऊ की भी हवा काफी खराब हो गई है। लालबाग, हजरतगंज समेत कई इलाकों में लगातार खराब स्तर पर प्रदूषण जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, लगातार दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। बता दें, देश की राजधानी की हवा में संक्रमण का लेवल बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया है। हेल्दी रहने के लिए लोग सुबह सुबह वॉक करने जाते हैं, लेकिन कई शहरों की हवा अब जहरीली होती जा रही है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का खतरा फिर से मंडराने लगा है। देश की राजधानी की हवा में संक्रमण का लेवल बढ़ते जा रहा है, जिस वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार हो गया है। बता दें कि हर साल दिसंबर अक्टूबर का महीना आते ही दिल्ली में प्रदूषण का खतरा बढ़ने लगता है। पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता विवांशु का। विवांशु, लगातार राजधानी में प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण अब दिल्ली एनसीआर में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। जी मयूरी, आपको बता दें कि निश्चित तौर से कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली इसमें प्रदूषण से कहीं ना कहीं झेलते हुए नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है, क्योंकि राजनीतिक दल भी इसको लेकर अगर बात की जाए तो कल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा और बीजेपी के सांसद और दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदूषण पर कहीं ना कहीं उन्होंने जो दिल्ली की सरकार है उसको घेरने का काम किया। अगर बात की जाए तो दिल्ली समेत एनसीआर के इलाकों में पूरे अगर देखें तो रेड जोन से ऊपर देखा जा रहा है। अगर बात करें तो इसको लेकर जहां जहां
प्रदूषण ज्यादा है, जहाँ की क्यूआई लेवल रेड लेवल से ऊपर है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उन सब जगहों पर स्कूलों को बंद किया गया है, ऑफिसों को वर्क फ्रॉम होम किया गया है और कहा जा रहा है कि कम से कम घर से बाहर निकले। वही अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है वो भी इसको लेकर अब पूरी तरह से सक्रियता के साथ इसके निदान को लेकर लगा हुआ है। अगर वही बात की जाए तो कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में अगर देखें तो दिवाली का त्यौहार था, अब उसके साथ ही जो केमिकल इंडस्ट्री है, तमाम इंडस्ट्री है जिससे धुएं निकलते हैं, और साथ ही हरियाणा और पंजाब के अंदर में इस वक्त अगर बात की जाए तो धान की कटाई चलती है और धान का जो बाकी का फसल होता है, फसल काटने के बाद जो उसकी पेड़ होते हैं धान के, जो उसके उसको खेत में जलाने का काम किया जाता है, मगर इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है। उसके बावजूद भी हरियाणा और पंजाब के किसान पराली जलाने का काम कर रहे हैं, वो भी एक इसका रीजन है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि वहाँ से वो पराली जलाते हैं तो दिल्ली पर, दिल्ली में इसकी प्रभाव दिखते हुए नजर आता है। राजधानी दिल्ली एक रिहायशी इलाका है जहाँ लाखों की संख्या में लोग देश भर से अलग अलग राज्यों से अपने कामों को लेकर आते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजधानी की ये हालत होने पे जो लोग हैं उसको भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वही अगर बात की जाए तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव है और एमसीडी चुनाव के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की वहाँ एमसीडी में बढ़त है, तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रदूषण का मुद्दा इस बार एमसीडी इलेक्शन में चलता है। अगर बात की जाए तो वहाँ के निगम में लगातार जो नेता है वो प्रदूषण मुक्त दिल्ली की बातें कर रहे हैं, वो आने वाले चुनाव के बाद साफ होगा, मगर विषय इस समय कहीं ना कहीं प्रदूषण का है, जहाँ राजधानी लखनऊ भी इसमें पीछे नहीं है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो कुछ इलाकों में क्यूआई लेवल 300 के ऊपर चला गया है। अगर बात की जाए तो ताल कटोरा इलाके में 401 क्यूआई लेवल है, वही लालबाग इलाके में 307 है, और प्रदूषण बढ़ने का यहाँ अगर बात की जाए तो वजह फैक्ट्रियां बताई जा रही है। वही आपको बताया कि ताल कटोरा और लालबाग के कुछ क्षेत्रों में सांस लेने की दिक्कत हो रही है, और आपको बताया कि इसको लेकर प्रदूषण बोर्ड की तरफ से लगातार तमाम निर्देश दिए गए हैं, और अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह होगी कि राजधानी की स्थिति, देश की राजधानी की स्थिति जहां बेकार है और बदर होती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं सबक लेना होगा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ को अगर कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों के निकलने वाली गंदगियों से प्रदूषण जो पैदा हो रहा है, साथ ही साथ जो अलग जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों के ट्रैफिक की वजह से भी जो गाड़ियों की लंबी ट्रैफिक की कतार लग रही है, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों से धुआं निकल रहा है शहरों के अंदर में, वो भी एक वजह है। और इसको लेकर अब देखा जाए कि राजधानी लखनऊ में क्या व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की तो दिल्ली में ऑड एंड इवन तरीके से गाड़ियों को चलाया जा रहा है, जो छोटे बच्चों का स्कूल है उसको बंद किया गया है, और पांचवी से और अगर बात करें 12वीं तक तो ऑड एंड इवन तरीके से बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं पराली और साथ साथ फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित धुएं, इस जो एक्यूआई लेवल में बढ़ाव आया है और प्रदूषण की गुणवत्ता में खराबी है, इसका मेन वजह बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो इस पर कैसे काबू पाता है। जी विवांशु, जिस तरह आपने बताया कि रोक के बावजूद भी लोग पराली जला रहे हैं, कई फैक्ट्रियां चल रही हैं, स्थितियां काफी खराब होती जा रही हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इस पर एक्शन कब लिया जाएगा? प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्देश तो दे दिया गया, लेकिन इस पर एक्शन कब लिया जाएगा? जी बिल्कुल मयूरी, अगर बात की जाए तो जब भी ठंडियां आती हैं तब दिल्ली हो या लखनऊ हो या देश के कई कोनों में कहीं ना कहीं प्रदूषण का खतरा देखने को मिलता है और क्यूआई लेवल में भारी उछाल भी होता है। तो अब अगर बात करें तो आने वाले समयों के लिए कहीं ना कहीं और बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर वायु के लिए हमें अभी से सोचना होगा, प्लांटेशन की तरफ कहीं ना कहीं हमें फिर से बढ़ना होगा, प्लांटेशन करें। साथ ही साथ अगर बात करें तो फैक्ट्रियों को शहरों से बाहर किया जाए जिससे प्रदूषण ना हो सके। साथ ही अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अपने नियमों में सख्ती के साथ पालन करवाना होगा और जो इसके विपरीत चले उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिससे प्रदूषण में हम कहीं ना कहीं कुछ बदलाव कर सकें और स्थिति को बेहतर कर सकें। आने वाले समयों के लिए हमें अभी से सोचना होगा। अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल में
तो हाल फिलहाल की अगर देखें तो सबसे जो कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों के बाद, पराली के बाद, जो सबसे बड़ी वजह ये भी है कि गाड़ियों की लंबी जो कतार लगते हैं जामों में, उसमें एक साथ सैकड़ों गाड़ियों के दूषित धुएं निकलते हैं और वो सीधे शहरों के जो धुएं है, जो वातावरण है, जो हवा है, वायु है, उसको दूषित कर रहे हैं। इस पर भी रोकथाम लगाने की आवश्यकता है। भरसक लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की उपयोग में लें और अपनी गाड़ियों को कम से कम निकालें। जी विवांशु, दिल्ली NCR के साथ लखनऊ की भी हवा काफी खराब हो गई है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में ताल कटोरा की अगर बात की जाए तो 400 EQI लेवल है। लालबाग की अगर बात की जाए तो वहाँ 360 है, जो कि रेड लेवल मार्क से ऊपर है। और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल के लिए, क्योंकि जहाँ दिल्ली एक तरफ दूषित पड़ी हुई है, वहाँ की वायु गुणवत्ता खराब है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वैसा ही ठीक लखनऊ में भी दो क्षेत्रों में अभी सामने आया है, जहाँ EQI लेवल 400 और 360 है। आसपास के लोगों ने शिकायत की है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसको प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड कैसे नियंत्रण करता है। और इसमें खास तरह अगर बात की जाए तो जो तमाम जागरूकता अभियान चलाकर जो तमाम NGO है, तमाम संस्थाएं हैं, उसको जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक करना होगा कि हम कैसे वातावरण को सुरक्षित रखें, कैसे सुगम रखें और कैसे हम हवा की गुणवत्ता को बदल सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम छोटी बड़ी फैक्ट्रियां घरों से संचालित हो रही हैं और साथ ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो गाड़ियों की जो तमाम जाम की समस्या है, उससे भी वायु प्रदूषण का कारण बन रहा है। तो इस पर भी रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और अगर बात करें तो संस्थाओं को भी लोगों की जागरूक करने की आवश्यकता है और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सख्त हिदायत के साथ कार्रवाई की आवश्यकता है, जिससे हम वायु की गुणवत्ता में सही बेहतरी ला सके। जी जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।